अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो यार आज वीडियो जो है मेरे चीट डे के ऊपर है। चीट डे में मैं अपनी डाइट प्लान को थोड़ा साइड में रख के आज मैं खाऊंगा चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई जो है मेरे घर से थोड़ा एक रेस्टोरेंट करीब है, वहाँ की चिकन कढ़ाई अच्छी है, और फिर आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं। तो चलते हैं फिर। तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे हुदैफा रेस्टोरेंट पे। हुदैफा रेस्टोरेंट पे क्या क्या मिलता है, जैसे कि फास्ट फूड वगैरह है यहाँ पे, देसी है यहाँ पे कढ़ाई भी। हमारा जो फोकस होगा बारबेक्यू आइटम पे, मतलब जैसे कि हम यहाँ पर कढ़ाई खाएंगे, बारबेक्यू आइटम आज स्किप करेंगे। हमें हाई प्रोटीन लेना है। हाई प्रोटीन किस सूरत में लेना है, लाइक हम लोग यार बॉयल चिकन इस तरह से खा खा के बॉडी बिल्डर थक जाते हैं, ये थोड़ा सा स्पाइसी भी ट्राई करना चाहिए। प्रोटीन तो है ना भाई, प्रोटीन इनटेक करना है आपको। तो यहाँ पे रिजवान भाई की स्पेशलिटीज़ क्या हैं और इनसे हम आपकी बात करवाते हैं। हम एक अपने लिए चिकन कढ़ाई भी बनाएंगे, बनाते हुए भी दिखाएंगे, और फिर उसकी मंडाई भी करेंगे, और फिर हम लोग उसका टैग रिव्यू भी देंगे कि किस तरह की कढ़ाई और कितने मज़े की है ये, ताकि आप लोग यहाँ पे आने के लिए थोड़ा कन्वेंस हों, हम आपको कन्वेंस करेंगे। तो हम लेके चलते हैं रिजवान भाई की तरफ। तो ये हमारे रिजवान भाई हैं। रिजवान भाई आप लोगों को बताएंगे कि ये इनका हुदैफा रेस्टोरेंट कितना पुराना है और कितने टाइम से ये काम कर रहे हैं यहाँ पे। ये ओनर हैं रिजवान भाई हुदैफा के। तो रिजवान भाई वालेकुम सलाम। तो रिजवान भाई आपका ये रेस्टोरेंट आप कब से चला रहे हैं? ये रेस्टोरेंट मैंने अभी खोला है, तकरीबन 7 महीने हो गए मेरे को। 7 महीने हो गए, और 7 महीने के अंदर मुझे यहाँ पे जब मैं आया था और मैंने कढ़ाई ट्राई की थी, तो मुझे कढ़ाई इनकी बेस्ट लगी थी। तो हम रिजवान भाई से बोलते हैं, रिजवान भाई हमारे लिए कढ़ाई बनवाएंगे, चिकन कढ़ाई? बिल्कुल बनवाएंगे। तो उसमें इंग्रेडिएंट्स वगैरह हमारा साथ देंगे, लाइव बताएंगे आप सारी चीज़ें, बिल्कुल स्पेशलिटी किस तरह से। और आप ये मैंने देखा है कोयलों पर बन रही है, जहाँ कोयलों पे चीज़ बनती है आपको पता है कि उसका टेस्ट जो है दोबाला हो जाता है। और ये देसी फूड है, तो आपको पता है देसी फूड के अंदर जब कोयले का तड़का लगता है, उस पर कोयले पे कोई चीज़ बनती है, तो वो और टाइट हो जाता है। जी बिल्कुल हो जाता है, सही सही है। तो रिजवान भाई आप एक कढ़ाई लगवाएं। जी बिल्कुल आएँ। तो रिजवान भाई ने ये कढ़ाई बनानी स्टार्ट करवा दी है, इसमें ऑयल डाल दिया, ये क्वार्टर कढ़ाई बन रही है। तो रिजवान भाई आप हमारे साथ थोड़ा सा हमारी हेल्प करें कि आप इन्ग्रीडियंट वगैरह क्या डालना है। बिल्कुल करेंगे, अभी इसमें ऑयल डाल दिया, अभी इसको ऑयल के साथ ब्राउन करेंगे, फिर उसके बाद इसमें टमाटर जाएंगे, और भी कुछ चीज़ें जाएंगी, वाइट पेपर जाएगा, ब्लैक पेपर जाएगा, ज़ीरा जाएगा, इसमें गरम मसाला जाएगा, धनिया जाएगा, कटर मिर्ची जाएगी, नमक, दही और मलाई वगैरह डलती है इसमें। तो इस वजह से जो है ना इसका टेस्ट आता है इंशाल्लाह ताला, और आगे भी आप चेक करेंगे ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका। आप देखिएगा ये क्वार्टर हम 220 रुपए का दे रहे हैं, पाव कोई नहीं बनाता, लेकिन हम लोग दुकान की मशहूरी के लिए जो है ना ये क्वार्टर कढ़ाई जो है ना हम दे रहे हैं 220 रुपए की। तो लिहाजा आप चेक करें, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। देखें आप अभी इसमें जो तैयार होती जा रही हैं, उसमें जो है टमाटर डले हुए हैं, टमाटर अभी ये कोयला कढ़ाई तैयार हो रही है आपकी। देखें अभी ये टमाटर का पेस्ट बना रहे हैं हम इसका। देखें इसमें हरी मिर्च भी डाली थी हमने, अभी ये पेस्ट तैयार होगा, इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा वगैरह, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, गरम मसाला, धनिया, हरा धनिया, सब चीज़ें। देखें अभी ये क्वार्टर तैयार है, इसके अंदर अब ये ज़ीरा जा रहा है, ब्लैक पेपर, गरम मसाला, वाइट पेपर, धनिया और ये हरी मिर्च, हरा धनिया, अदरक, आखिर में ये मलाई। ठीक है, ये आपकी कोयला कढ़ाई तैयार है। बेहतरीन है, इन्होंने अपने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं और मसाला भी इनका अपना है, कोई शान का मसाला इस्तेमाल नहीं किया। तो समझ लें आपने आज का 250 ग्राम प्रोटीन इस्तेमाल कर लिया अपनी डेली लाइफ के अंदर मसाले वाला, क्योंकि बॉयल प्रोटीन खा खा के बंदा थक जाता है। तो मेरे साथ आज जो है सलमान, मेरा दोस्त, मेरा बचपन का यार है, वो भी बताएगा कि कढ़ाई कैसी बनी है। तो हम सलमान से पूछते हैं। आपके क्या ख्याल आते हैं कढ़ाई के बारे में, कैसी बनी है कढ़ाई? तो इससे आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि कढ़ाई जो है बेहतरीन बनी है। तो
तो अब मिलते हैं कढ़ाई खाने के बाद। भाई कढ़ाई का खापा हो चुका है ऑलमोस्ट। कढ़ाई जो है मैंने ही मंडी, सलमान भाई ने तो हमारे मंडे नहीं, तो कढ़ाई बेहतरीन थी। आज का ये ब्लॉग था, और अगर आप लोगों को इस लोकेशन पे आना हो तो ये सिंधी होटल की तरफ लोकेशन है, हुज़ैफ़ा के नाम से इनका रेस्टोरेंट है, तो कढ़ाई भी बेहतरीन थी। आप यहाँ पे आएँ, ट्राई करें, रिजवान भाई से हमारा नाम लेगा, आपको ऑलमोस्ट ये जो है आधे रेट पे दे देंगे, जो क्वार्टर है उसके भी आपसे आधे रेट ले लेंगे ये इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।